हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो फिर से आपको हमारे YouTube चैनल बिजनेस आइडिया सीखो में आपका स्वागत है। और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक ऐसा प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं दोस्तों, जिसका भी यूज हर घर में होता है। कोई ऐसा घर नहीं छूटा होगा जिसमें ये प्रोडक्ट का यूज ना होता हो। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसा प्रोडक्ट के बारे में, जो आप भी जानते होंगे कि इसका प्रोडक्ट का यूज हर घर में होता है। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको इस तरह का पैकिंग झूना, इसको स्क्रबर इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं झूना, झूना पैकिंग मशीन के बारे में। यानी आप इस तरह का झूना आप आसानी से पैक कर सकते हैं बहुत सस्ती मशीनों से। तो आपको इस मशीन का कितने टाइप का मशीन होता है और कौन कौन से मशीन यूज करके कैसा कैसा प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि इस मशीन में जो है मैनुअल मशीन आता है, फिर न्यूमैटिक आता है, फिर हाइड्रोलिक आता है और फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन आता है। इसमें आपको चार तरह का मशीन आता है और चारों मशीन से आपको इसी तरह का पैकिंग होता है। जैसे आप इस तरह का मसाला, गरम मसाले, खड़े मसाले आप पैक कर सकते हैं। देखिए इस तरह का पैकिंग किया हुआ है। और आप इस तरह का अगर आपको पैक करना है, काली मिर्च पैक करना है सिर्फ, या कोई भी इलायची पैक करना है, या गरम मसाला पैक करना है, तो आप पैक कर सकते हैं। इस तरह का इसमें पेपर यूज होता है। सबसे पहले आपको मशीन के बारे में बताते हैं कि कौन कौन टाइप का मशीन होता है। तो सबसे पहले मैनुअल मशीन है, जो मात्र 15-16 हज़ार रुपया से आप मार्केट में खरीद सकते हैं। आपको 15-16 हज़ार रुपया से आपको मिल जाता है। और इसमें आपको हाइड्रोलिक मशीन भी आता है, न्यूमैटिक मशीन भी आता है, फुल्ली ऑटोमेटिक भी मशीन आता है। तो ये मशीन आपको थोड़ी रेंज ज़्यादा, अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप थोड़ा बजट बढ़ा करके 50-60 हज़ार से स्टार्ट हो जाएगा आपको न्यूमैटिक मशीन, तो आप ऐसे ले सकते हैं मशीन। इसमें इतने टाइप का, चार टाइप का मशीन होता है। अब इसी में आपको अब कौन सा मशीन लेना, आपका बजट के हिसाब से आप मशीन खरीद सकते हैं। लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि आप मशीन कहाँ से खरीद सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर दिया हुआ रहेगा कि आपको कहाँ से मशीन खरीदना है, वहाँ से आपको एड्रेस और मोबाइल नंबर दिया हुआ रहेगा। और इस स्क्रीन पे भी वीडियो चल रहा होगा, उस पे भी आप नंबर दिया हुआ रहेगा, वहाँ से भी आप मशीन खरीद सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें रॉ मटेरियल क्या क्या यूज़ होता है। तो आपको इस तरह का अगर झूना पैक करना है तो सबसे पहले इस तरह का सीट का यूज़ होता है। देखिए ये सीट होता है, इस तरह का सीट आता है आपको 12 पीस का, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 12 पीस का सीट आता है। प्लस इसमें कटोरी यूज होता है। और देखिए इस तरह का आपको ऐसे रहता है, मार्केट में जाते हुए खरीदने तो आपको इस तरह का मिलता होगा। तो इस तरह से आपको, इसको बोलते हैं ब्लिस्टर, और इसको बोलते हैं स्क्रबर, और इसको बोलते हैं सीट। मेनली तीन आइटम का यूज़ करके आप इस तरह से पैकिंग करके माल मार्केट में आप अपना ब्रांड बना करके बेच सकते हैं। जैसे देखिए इसमें ब्रांड बना हुआ है एक्सेल नंबर 1, इसमें देखिए ब्रांड बना हुआ है एक्सेल नंबर 1। तो आप यहाँ पे ब्रांड आप अपने नाम से प्रिंट आउट करवा सकते हैं। अब देखिए इसमें अब यूनिटी फूड्स करके, अभी देखिए मसाला के बारे में बताने जा रहा हूँ आप, यूनिटी फूड्स है। तो यूनिटी फूड्स ने देखिए इस तरह का पैकिंग कर रखा है, गरम मसाले, आपको ये काली मिर्च, इस तरह से पैकिंग कर रखा है इसमें। अब इसमें आप काजू भी पैक कर सकते हैं, बादाम भी पैक कर सकते हैं, आप टूथब्रश भी पैक कर सकते हैं, इसमें खिलौने भी पैक कर सकते हैं। सारे आइटम आप एक ही मशीन से पैक कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको ये सब चेंज करना होगा। देखिए मसाले के लिए ऐसा ब्लिस्टर लगा है इसमें ऐसा। अब ब्रश पैक करना होगा तो ब्रश के लिए लंबा ब्लिस्टर लगेगा, ऐसा लंबा रहेगा। उसके लिए डाई भी चेंज होगा, इसके लिए भी डाई अलग होता है, सारा चीज़ आपको अलग होता है। तो सारे चीज़ आपको एक ही मशीन से आप पैक कर सकते हैं। अब इसमें प्रॉफिट ऑफ मार्जिन क्या होता है, प्रॉफिट ऑफ मार्ज, अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रॉ मटेरियल के बारे में। रॉ मटेरियल आपको कहाँ मिलेगा, तो जहाँ से आपको मशीन मिलेगा वहीं से आपको रॉ मटेरियल भी मिल जाएगा। आपको रॉ मटेरियल का भी वहाँ से रेट ले लीजिएगा, क्या रेट में रॉ मटेरियल मिलता है। तो मैं आपको पहले बताया कि मशीन और रॉ मटेरियल जो भी खरीदना होगा उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर जो नंबर दिया उस पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं कहाँ कितने रेट में मिलेगा। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि अब इसमें प्रॉफिट ऑफ मार्जिन क्या होगा। तो मैं सिंपल एक स्क्रबर के बारे में बताने जा रहा हूँ कि अगर इस तरह का 12 पीस का अगर आप पैकिंग करते हैं तो रफ आइडिया में, मैं एस्टिमेटेड रफ आइडिया में बता रहा हूँ कि लगभग 36-34 रुपया में आपका ये माल बन के तैयार हो जाता है 12 पीस का पैकिंग करके। अब मान लिया कि 36 रुपया में आपका तैयार हो जाता है, आप मार्केट में इसको 50-60 रुपया पर आराम से जगह जगह डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट डिफरेंट रेट्स में होलसेल में बिकता है।
तो आप लगभग 50-60 रुपये में आराम से बेच सकते हैं। यानी 10 रुपये का मार्जिन आपको कम से कम मिनिमम 10 से ऊपर मार्जिन होता है 10 रुपया एक सीट पे। अगर दिन भर में आप अगर 100 सीट बनाते हैं, अगर 200 सीट बनाते हैं तो आपको 2000 रुपया, अगर 100 सीट बनाते हैं तो 1000 रुपया, मिनिमम 1000 रुपया का आपको प्रॉफिट ऑफ मार्जिन होगा इस छोटी सी मशीन लगा करके। तो आप बहुत अच्छा मुनाफा इस मशीन को लगाने से, इसको हर घर महिला, कोई भी महिला भी यूज कर सकती है कोने में लगा करके। मशीन बहुत छोटी सी होती है, आप जहाँ से मशीन खरीदेंगे वहाँ से आपको वीडियो या मशीन वहाँ जा करके देख भी सकते हैं। तो आपको वहाँ से मशीन भी मिल जाएगा, रॉ मटेरियल मिल जाएगा, सेल करने का सारा आइडिया आपको बता देंगे कहाँ कहाँ सेल करना होता है। तो आपको लगभग 1000 रुपया भी अगर आप प्रतिदिन कमाते हो तो महीने का 30000 रुपया का होता है। तो आप घर बैठे 30000 रुपया और कोई बिजनेस करके आप नहीं कमा सकते हो। तो बहुत अच्छा मुनाफा देने वाला बिजनेस है, बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो आप इसको कर सकते हो। आप जानते भी हैं कि हर घर में इस तरह का मसाला हर घर में यूज होता है, इस तरह का आपको झूना हर घर में यूज होता है। बाकी ग्रीन पैड देखते होंगे जो बर्तन मांजने वाला, वो भी इससे पैक हो जाता है। तो सारा आइटम आपको एक ही मशीन से पैक हो जाएगा और बहुत टॉप क्वालिटी का आप झूना पैक कर सकते हैं। मसाला जहां मार्केट से ख़रीद कर ले आइए, मसाला मार्केट वगैरह तो मसाला वगैरह तो आपको मार्केट से ही मिल जाएगा। तो ज़्यादा इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है रॉ मटेरियल के लिए। सिर्फ इसके लिए आपको है कि हर जगह नहीं मिलता है, तो जहां से मशीन खरीदेंगे वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो दोस्तों आप तब तक के लिए यही, मैं अब आपको जितना जानकारी देना था मैं आपको उतना जानकारी दे दिया। और अगर कोई जानकारी अगर हमसे छूट गया होगा इस वीडियो में बताने के लिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे आपको तो इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और अगर ज़्यादा अच्छे लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।